किया अपने जनता है हम संगठन दिवा जी थर्मल को चलाते हुए वो शहीद हुआ है वो थर्मल प्लांट क्या दे रहा है उसको ये बताओ सबके बीच में आप क्या मैनेजमेंट क्या दे रहा है वो थर्मल का काम करते हुए शहीद होया है संगठन ने मांग करी थी कि उसते 50 लाख रुपये मुआवजा राशि उसके जितने ईपीएफ ईएसआई एलडब्ल्यूएफ के लाभ है वे सारे लाभ न्यू भी कोने बेरा किसी का किमे हो जा तो उसने बेनिफिट के देना है मैं वो मांगा मैं अपनी कोई सहमति नहीं बनी उसमें है प्रशासन 15-20 ऐसे होगा ऐसे नहीं होगा अपना उसके बारे में अपनी कोई सहमति नहीं हुई अपना था भाई एक दो भाई ना और लाभ मिल सका था अपने SDFC बैंक से खाते खुलने लग रहे कई सेक्टर में खुल भी रहे हैं लेकिन उस भाई का नहीं था अगर उस भाई का खाता होता तो उसने 15-20 लाख रुपया का सहायता और मिल सकती उसने वो अपना इसमें है जो भी है कोशिश करो सारे जल्द से जल्द खाता खुलवाने की कोशिश करो भाई SDFC बैंक में बंदे उराव भी हैं उसमें उस भाई उसमें भी कमी रहेगी लेकिन अपने दोनों मांगा में कोई सहमति नहीं बनी भाई बाकी विस्तार तय है अपने भाई साहब है विकास राणा जी बताऊँ साथियों भीतर गए थे तो आपने बता के गए थे कि अपने संगठन की 3 मांग है कि जो अपना साथी एक थर्मल का काम करते हुए शहीद होया है संगठन ने मांग करी थी कि उसते 50 लाख रुपये मुआवजा राशि उसके जितने ईपीएफ ईएसआई एलडब्ल्यूएफ के लाभ है वे सारे लाभ उसके परिवार ने एक नौकरी और उसके बालकों की फीस का खर्चा जब तक बालक पढ़े यो मिलना चाहिए पितर तीनों बातें पे बात हुई परंतु बड़ा दुख की बात है इस प्लांट में 1200 कच्चे कर्मचारी काम करने लग रहे हैं बड़े बड़े अधिकारी बैठे है परंतु उन्हें इबता न्यू भी को निबेरा किसी का किमे हो जा तो उसने बेनिफिट के देना है के मिलना चाहिए वह तो एक अलग बात है कि सेफ्टी के देवगे मेडिकल सुविधा के देवगे वो तो बहुत बड़ी बात है परंतु एक कर्मचारी जो कच्चा मर जा उसने के मिलेगा उसका भी इन्हें न्यू को निबेरा मोल लावा मोल न्यू कहा पहले भी मरे थे हमने 15-20 लाख रुपये दे दिए वे दे देंगे इन्हें न्यू को निबेरा जो सरकार ने पॉलिसी बना रखी है विभाग ने पॉलिसी बना रखी है उनके तहत के मिलना चाहिए हम तो यह कह के आए हाँ तारे उन अधिकारियों से बात करो उन पर पूछो पॉलिसी के तहत उसने के मिलना चाहिए पहले वे पॉलिसी पढ़ो तार पे टाइम है पॉलिसी पढ़ गए और हमने न्यू बताओ कि इस साथी ने यो हम देंगे उसके बाद में आगे की बात होगी उससे पहले कोई बात नहीं और हम उठ गए आगे तारे बीच में इब आगे जो फैसला होगा भाई का परिवार आओगा भाई के भाई आओगे सारे मिल गए उसका परिवार जो कहोगा उस परिवार का संगठन और दरी सम्मान करेगी और जो उसका परिवार चाहोगा वो ये साथी करेगा इसके अलावा और भी बात आई भीतर सारी चीज़ों पर बात हुई कि एक HDFC बैंक में सैलरी अकाउंट खुलना था 2019 में एक पॉलिसी आ गई थी कि सैलरी अकाउंट खुलाओ कोई कच्चा कर्मचारी नेचुरल डेथ तक एक्सपायर होगा तो उसने 1 लाख रुपये तो एक्सीडेंट में उसने 10 लाख रुपये परंतु उसमें बढ़ा के 15 लाख भी कर दिए परंतु इस थर्मल के अधिकारियों की मानसिकता प्रत्येक अधिकारी प्रत्येक रेगुलर कर्मचारी का 2019 तक HDFC में खाता है परंतु इस लेबर का किसी ने खाता को नहीं खुलवाया इस वजह से तो उस बैंक तक कमीशन जो मिलना था 15 लाख रुपये आज वो मिले को नहीं और जो और भी बैठे है क्योंकि आड़ा के जो अधिकारी उनकी मानसिकता खराब है उनने मतलब है सिर्फ अपनी गोज भरणते मेरा तो सारे साथियों तक अपील है किसी के लिए भी कोई हादसा उसका कम तक कम न्यू सोच के आपका परिवार पालन लाग रहे हो आपका परिवार सुखी तपड़ है
सारे साथियों का अनुरोध है कि अपने HDFC में खाते खुलवाओ बैंक में, और जो भी फैसला होगा उस भाई का परिवार आड़ा आ जाएगा, उस बाद में आगामी जो भी उसके परिवार तय चर्चा करके जो भी रूपरेखा होगी हम उस पर कायम रहेंगे, जो उस भाई का परिवार फैसला ले होगा। उनका परिवार तय भी हमारे बीच में आ रहे है, अपना जो कुलदीप भाई था राखी गड्डी था तो अपने बीच में बारह खाप के जो प्रधान है राजकुमार मास्टर जी, सरकार की यूनियन ने, कर्मचारी यूनियन ने जो बातें सोची हैं हम उनके साथ हैं। ये आपका भाई आपका बच्चा था, आपके सहयोग से यहाँ काम कर रहा था, अपने बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ मजदूरी कर रहा था, और उसके साथ ये जो घटना घटी है प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है, और हम सब आपके साथ हैं बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर, जिस प्रकार की आपकी जो भाषा होगी हम उसी के साथ खड़े हैं। मायूस होने की जरूरत नहीं है, कल भी अपने बीच में खेदड़ के बुजुर्ग आए थे और आज बारह खाप के प्रधान जो अपने समूह में आप चुना है वे भी अपने बीच में आ गए हैं, और पिछला इतिहास देखा तो कितने बड़े अफसर हो थर्मल में, लेकिन मजदूर का सीधा संबंध परमात्मा का गल हुआ है, क्यों है? क्योंकि मजदूर ही देश को चलावे है। पहले भी बड़े बुरे बुरे इतिहास थे, दिन लकड़िया करता सूरज लकड़िया करता काम पर जाया करते, सूरज जलया करता उस टाइम पर काम पर छुट्टी आया करती, उस तक थोड़ा एक घाट कानून आड़ा नहीं तो लगभग मिलता जुलता है, क्योंकि साथी बताओ थे अक 12-12 घंटे ही ड्यूटी है, जो आदमी 12 घंटे ड्यूटी करेगा कोई रेस्ट नहीं तो उसका सारा दिमाग खाली हो जाए, उसको नहीं पता चलता 8 घंटे के बाद अकबर उसका दिमाग कड़ा है, लेबर विभाग ने 8 घंटे कुछ सोच समझ के बनाया होगा, क्योंकि आदमी की जो पूरी तंत्र क्रिया है अकबुआ कितना टाइम काम करेगी, लेकिन जो भीतर देखा अधिकारी ना तरह दर्द का बेरा और ना नूबेरा कि भाई वो गुजर गया तो इसने के मिलेगा, तुलना करते बारी व्यक्ति तय अकबर इतने तो मिले जाएंगे जिसने 15-20 लाख रुपये माँ कल शाम के आप एक्सरसाइज के करे थे भाई, इसका पत्नी है इसका बाबू गुजर गया पहले, दो छोटे छोटे बालक है 7 साल 5 साल, तो उसकी जो मिसिज है उसने नौकरी मिलनी चाहिए पहले, उसको हम करेंगे आगे देख लेंगे मिलेंगे विचार करेंगे, लेकिन आपकी जो कमेटी गई थी बीच में सख्त कह के आई है एक भाई का पोस्टमार्टम होने लग रहा, उसके आने के बाद सबके बीच में फैसला लेवांगे, इन दो चीज़ों से कोई समझौता नहीं है, सबकी आपकी राय तो ये चीज़ पास हुई है, उसका परिवार भी आ गया है अकबर उसके भाई के घर में एक नौकरी मिलनी चाहिए, और उसका जो क्लेम है जो ढाला जा रहा है पहले उसकी गलती थी उसकी जिद्दी है, कर्मचारी HDFC में खाता कौन खुलवा दे, मां जिद्दी तो अमरेजमेंट भी है जो लाख लाख रुपये तनख्वाह ले रही है, ऊपर चंडीगढ़ का रूल आ गया HDFC में सब कर्मचारियों के मजदूरों के खाते खुलने चाहिए, क्यों रूल बनाया हो ताकि 15-15, 10-10 लाख का उनका इंश्योरेंस हो जाए, क्योंकि इसमें काम करने लग रहे खतरे की जगह पर, लेकिन उस रूल का पालन ही न सख्ती तो नहीं कराया, उस ठेकेदार ने नहीं कराया जिस ठेकेदार के तहत ये कर्मचारी काम करने लग रहे, क्योंकि उसने पता है जिस बैंक में इन कर्मचारियों का खाता है उसके ATM लेके गोज में गल रखे हैं, दूसरे बैंक में खाता खुलवाओगा उन्हें सारी चीज मिलेगी, आज भी आड़ा ईसा बेरा लग गया है अकबर कुछ कर्मचारियां तो ATM भी ठेकेदार ले रहा है, पूरी तनख्वाह नहीं देने लग रहा, लेकिन साथियों दुख का विषय है अकबर इनके ऊपर जू नहीं रहेंगे गरीब लग भी, बात कहो था कि हमारी यूनिट ठप हो जाएगी हमने भी दिक्कत ठप हो जाएगी ज्यादा नुकसान है, मैं इस नुकसान तक थोड़ा नुकसान है अगर हमारे भाई का मुआवजा आप बढ़ा दोगे तो इसमें बोर्ड के चलाने में ज्यादा पीछे लगेंगे, और इस साथी का मुआवजा बढ़ा दोगे तो कम लगेंगे, इसके परिवार ने इसके बालका ने पढ़ने रहा हो जाएगा और परमात्मा भी ठीक सुनेगा, तो साथियों अपना साथी का पोस्टमार्टम हुआ है वो आवे उसका परिवार आवे, लेकिन आपा ने न्याय की नगरी में दरी बिछाई है, आड़े पहला भी आंदोलन चलिया है गौशाला का चलिया है
बढ़िया चीज लेके उठे हैं। आज तो हमारा भाई जा रहा है तो सारे शांति तय बढ़िया तरीके तय बैठे रहो। धन्यवाद साथी।